कैंडिडेट से सब लोग दुखी है और आप प्रोजेक्ट चेयरमैन है। स्मार्ट सिटी का तो सर इसका टाइम एक्सटेंड होता है बार 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 2018 से स्टार्ट हुआ, कौन एक्सटेंड कर रहा है। सुनो ना, मैं वो मम्मी जी की पुरानी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती। क्यों ना हम तनिष्क ज्वेलर्स चले जहां हमें पुरानी 22 कैरेट या ज्यादा की गोल्ड ज्वेलरी पर मिलेगी 100% एक्सचेंज वैल्यू। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर, TNC अप्लाइड। आज श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के सभी पदाधिकारी और व्यापारी माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री महोदय के नाम का। अजमेर में जो एलिवेटेड रोड बन रहा है वो बहुत कछुआ चाल से बन रहा है। कई बार हमने धरना प्रदर्शन भी करे, व्यापारियों ने कचहरी रोड के व्यापारी, स्टेशनी व्यापारी, शहर की सारी जनता परेशान है। और जो लीज की दुकानें हैं, लीज की अवधि समाप्त हो गई है, उस विषय में कलेक्टर साहब को हमने अवगत कराया है कि जो लीज की दुकानें हैं वो जिनकी है उन्हें तुरंत प्रभाव से दिलाई जाए। और अजमेर की स्थिति आप मीडिया वालों को वैसे ही पता है कि जो स्थिति अजमेर के रोडों की है आज की तारीख में, बरसातों में आप हाल देख लो, शहर के सारी हर गली के खड्डे ऐसे हो रहे हैं, मतलब एक टू व्हीलर आदमी भी नहीं चल सकता है। तो उन सड़कों को भी हमने ठीक करने की मांग करी है और माननीय कलेक्टर साहब को, जैसे जो भी शहर की पानी की समस्या है, 72 घंटे में पानी आ रहा है, जबकि बिसलपुर बांध में पानी की आवक पूरी हो चुकी है, 48 घंटे में पानी दिया जाए। अजमेर की पब्लिक बहुत परेशान है। श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर हमारी मांगे की है, मांगों के कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि हम आपके बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिए। आपका परिचय? महेंद्र बंसल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री अजमेर व्यापारी महासंघ। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो ये एलिवेटेड से सब लोग दुखी हैं और आप प्रोजेक्ट चेयरमैन है, तो सर इसका टाइम एक्सटेंड होता है बार बार 2018 से स्टार्ट हुआ, कौन एक्सटेंड कर रहा है और इसके जो फ्लैग्स लगने चाहिए तो सर वो आप मालिक तो नहीं, आप ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि इसने 210 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कहीं फ्लैग्स वगैरह, कहीं इसके जो नॉन रोड बनवाता है, नाली बनवाता है, वहाँ बड़े फ्लैग्स लगाता है।